जगतगुरु आचार्य स्वामी राम दयाल महाराज के पावन सानिध्य में ग्राम बाबुलदा में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय महाप्रभु प्राकट्य श्री शताब्दी 2020 के अंतर्गत दो दिन का ज्ञान महोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। आचार्य राम दयाल महाराज ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर व हिंदू धर्म सहित आज के बच्चों को जो आचरण इंटरनेट युग में मिल रहा है, शिक्षा को लेकर वर्तमान में देश में जो कुछ हो रहा है उसमें परिवर्तन आवश्यक है। बच्चों में पश्चात संस्कृति के संस्कार पनप रहे हैं। पहले पढ़ाई की शुरुआत प्रणाम से होती थी, लेकिन अब प्रणाम करने में शर्म आती है। कहीं कपड़े की प्रेस न बिगड़ जाए, इसका ज्यादा ध्यान रखा जाता है। बाहर कपड़े बिगड़ने की चिंता है, लेकिन भीतर मन के बिगड़ने की कोई परवाह नहीं है। प्रणाम करने से माता पिता व गुरु से मिलने वाले आशीर्वाद से जीवन में विनम्रता व सरलता आती है। साथ ही धूम्रपान जैसे गंभीर विषय में भी स्वामी जी ने इस अभिशाप पर चर्चा की है। दो दिवसीय इस कार्यक्रम के समापन पर नगर में झांकी निकाली गई। राजपथ होने के कारण आना जाना तो रहा, एक बार गौशाला में भी थोड़ा प्रवचन हुआ था 5-7 साल पहले, किंतु बाबुलदा की धरती पर आचार्य बनने के 26 वर्ष में ये पहली बार राम स्नेही संप्रदाय की परंपरा से आगमन हुआ। यहाँ की जनता का विश्वास, प्यार, प्रेम, श्रद्धा, धर्म, राष्ट्र के प्रति दिखाई दी। हमारे संत सनक राम जी ने अच्छा पुरुषार्थ परिश्रम किया। सनातन काल से अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय की एक शाखा है, जहाँ अतीत में बड़ी बड़ी महापुरुषों ने खूब भजन किया है और अपने भजन तपस्या से सिंचित किया है। काल की करवट में दब सा गया था, इन पुनः हमारे संतों ने पुरुषार्थ करके इसे उभारा है। यंदा की धरती पर सत्संग का आयोजन संतों ने रखा है। यह अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय परंपरा का हमारे परम पूज्यपाद परम तपस्वी चरित्र नायक पूज्य द्वारकादास जी महाराज की परंपरा का स्थान है। हमारे यहाँ दो परंपराएं, खालसा परंपरा एक थामाई परंपराएं। खालसा परंपरा संप्रदाय की सरकार परंपराएं होती है और ये परंपराएं महापुरुषों की साधना की द्वारा और एक थामाई परंपरा चली है, उस परंपरा का ये स्थान है। यहाँ के आसपास के क्षेत्र के कई संत लोग जो इस संबंध से यहाँ पर आश्रम धरपट पे रामद्वारा है, अन्यत्र आसपास रामद्वारा है, जयपुर में रामद्वारा है, ये सब द्वारकादास जी महाराज की परंपरा के हैं। हमारे वरिष्ठ भेख भंडारी समुद्राम जी अन्य क्षेत्रों को संभालते हैं, अन्य संत लोग यहाँ पर संभालते हैं। तो दो दिन का ये कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम के पीछे इस संप्रदाय के जन्मदाता स्वामी रामचरण जी महाराज का उद्धार विक्रम संवत 1776 माघ शुक्ला चतुर्दशी शनिवार को राजस्थान 16 धरते ननिहाल में हुआ। उनको 300 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया है। 2 फरवरी से 8 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा की प्रमुख पीठ है राम निवास धाम भीलवाड़ा जिले में, वहाँ पर बहुत विशाल कार्यक्रम है 2 फरवरी से 7 फरवरी तक। 7 फरवरी की रात्रि और 8 फरवरी को उनका प्राकट्य अवतार, उनकी प्राकट्य भूमि सोड़ा धाम पर विराट रूप से मनाई जा रही है। देश के बड़े बड़े दिग्गज परम पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य जी, जगन्नाथपुरी पीठ, द्वारका पीठ, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, कवि दादू पन्ना हरिदास, विविध धर्माचार्य वृंदों का आगमन होगा, ज्ञानी गुरु मनुष्यों का समागमन होगा, अनेक बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों का, सलमवादाचार्य श्री और भी कई दिग्गज विद्वानों का वहाँ पर आगमन होगा और विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें सभी को आमंत्रित किया। वही आमंत्रण देने के निमित्त में ये दो दिन का आयोजन भी सम्मिलित किया गया है। कल गारोठ भी दो दिन का कार्यक्रम है 18-19 का, वहाँ पर भी सत्संग, धर्म, राष्ट्र जागृति, प्रेरणा, हमारी देश के भटकती ही तरुणाई को एक रास्ता मिले, धर्म का, राष्ट्रभक्ति का, ऐसी भावना इस संप्रदाय सनातन काल से रही है। यह अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता स्वामी रामचंद्र जी महाराज रहे हैं, सैकड़ों इनके स्थान है, स्थान को रामद्वारा कहते हैं। प्रमुख इष्ट ग्रंथ है हमारा अर्भवाणी, जिसमें आत्म अनात्म पदार्थ का सम्यक विवेचन है। उस वाणी वैश्य समत सात संबत है, महापुरुषों की तपस्या से अंतकरण से निकली हुई दिव्य भक्ति है। उसके माध्यम से हम परिवार, समाज, राष्ट्र की बचपन विकृति का शिकार न बने,
तरुणाई न लड़खड़ाए, उनमें राष्ट्र प्रेम राष्ट्र भक्ति हो, धर्म स्थापित हो और देश समाज का बुढ़ापा चिंता के जहर से मुक्त होकर के चिंतन के अमृत का पान कर हमारा भारत राष्ट्र अंतरंग और बहिरंग स्वच्छ और शुद्ध हो, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति एवं इलेक्ट्रॉनिक जाल में फंसती जा रही है, इस विषय में आप क्या? केवल युवा पीढ़ी नहीं, पत्रकार जगत से कहना चाहते हैं, इसमें मैं जहाँ तक सोचता हूँ शायद अवस्था का कोई तकाजा नहीं है। बचपन भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है, यह बहुत दर्द का विषय, साइलेंट पॉइजन है। बचपन में बच्चे रोग माँ बाप की बात ना मान करके भी निरंतर गेम खेलते हैं, उनकी आंखें खराब हो जाती है, मस्तिष्क विकृत हो जाते हैं, कई बीमारियां पैदा हो जाती है। इसलिए इस पर संयम रखना बहुत जरूरी है। ज्ञान आनंद का, विज्ञान परमानंद का विषय है, किंतु वैज्ञानिक तकनीकियाँ अगर ठीक से प्रयोग न की जाए तो कहीं समाज और राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा करने वाला न हो जाए। यह हमारा संतरदय का भी दर्द है कि बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाए कि मोबाइल से और कुछ स्थितियों कुछ वैज्ञानिक प्रकरणों उपकरणों से भी उन्हें संयम पूर्वक उसका व्यवहार करना चाहिए। ऐसी अगर करते तो बच्चे उनका मानस इस प्रकार हो गया है क्योंकि इस पर वो मानते नहीं हैं, लेकिन माँ बाप का कर्तव्य कैसे भी ये इनके प्रकार बच्चे और हमारी तरुणाई आज विज्ञान के बढ़ते हुए कदम का सदुपयोग करें। बुराई विज्ञान में नहीं है, तकनीकियों में नहीं है, इनका उपयोग किस तरीके से किया जाता है, लाइट है, अत्यंत आवश्यक है, पर असावधानी पूर्वक प्रयोग किया गया तो जो प्रकाश देती है वह जीवन के साथ मौत का खेल भी खेल सकती है। इसलिए किसी भी चीज़ का सदुपयोग और दुरुपयोग मानव मात्र की मति के ऊपर अपेक्षा है, अपेक्षित है कि वो सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। सूर्य का प्रकाश सबके लिए लाभदायक है, पर सूर्य के प्रकाश का कोई दुरुपयोग करता है तो जवाबदार जिम्मेदार कौन होगा, ये विचार करने की बात है। धर्म हो, भक्ति हो, संत हो, चौराहे की लाइट की तरह है। चौराहे की लाइट पर बैठ करके कोई रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, विद्यार्थी विद्या अध्ययन करे, उस पर एकाधिकार तो नहीं कर सकता है, पर उसका कितना सदुपयोग करे उसके लिए वो उसकी मति पर अपेक्षित है और कितनी उसकी प्रेरणादाता उसके साथ सत्य मार्गदर्शन कर रहे हैं इस बात पर अपेक्षित है। जो संयुक्त न्यायालय जोर से अभी जो संयुक्त न्यायालय ने जो राम मंदिर को लेके अभी जो फैसला सुनाया है उसमें राम स्नेही और संत समाज क्या पूर्ण रूप से फील करता है? जी सर्वप्रथम इस संबंध में कहना चाहेंगे, विश्व के मानस पटल पर भारत राष्ट्र सनातन काल से धर्म संस्कृति चरित्र न्याय के प्रति निष्ठा रखता आया है और प्रसिद्ध भी है। इस संबंध में संविधान का सम्मान सनातन काल से संतों ने किया है। भारत राष्ट्र संविधान का पुजारी रहा है। एक ऐतिहासिक फैसला राम मंदिर के संबंध में जनता के बीच जो आया वह सत्य और उदारता से ओतप्रोत रहा है। यह फैसले ने सिद्ध किया है कि भारत राष्ट्र राम पर विश्वास करता है, राम एक सत्य है, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं। यह ऐतिहासिक फैसला भारत राष्ट्र की विजय है, मानवता की विजय है, सत्य का फैसला है, देश हित में है, राष्ट्र हित में है,
और सभी संत पूरा देश इसे संतुष्ट है। हम अंतर्राष्ट्रीय रामष्टेय संप्रदाय से इस दिव्य फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। भानपुरा से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।